Hi Lucknow, we're coming to your city on 20th of November 2022 at Ikana Stadium for a charity live concert by Shri Suvidha Foundation Trust. I'll see you there. हम लोग यहाँ पे ग्राउंड वाला टिकट लिए थे. हम लोग एक्चुअली जो है वो 500 का टिकट था. तो आप लोग इससे पहले तमाम ठगी के मामले सुने होंगे. हाँ, स्कैम तो है बहुत बड़ा. पर आज हम आपको ऐसा ठगी का मामला बताएंगे जहां म्यूजिक कंसर्ट और बॉलीवुड के मशहूर सितारों के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी की गई है. अरे यार, सनी लियोनी को देखने का मन था. जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में म्यूजिक कंसर्ट के नाम पर लाखों रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया है. 20 नवंबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में एक म्यूजिकल कंसर्ट आयोजित होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ये घटना घट गई. चैरिटी म्यूजिक कंसर्ट कराने वाली कंपनी लाखों रुपए की ठगी करके फरार हो गई. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 20 नवंबर को चैरिटी म्यूजिक कंसर्ट होना था, पर उससे ठीक पहले ही जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं वो फरार बताए जा रहे हैं. उनका नंबर बन जा रहा है. श्री सुविधा फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था, जिसमें तमाम बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे थे. आपको हम बता दें तो हम लखनऊ के इकाना स्टेडियम से पहले ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं तमाम तरह के जो पोस्टर्स हैं, जो बैनर्स हैं, वो पूरी रोडों पे लगे हुए हैं इसी कॉन्सर्ट को लेके. पोस्टर्स में आप देख सकते हैं साफ तौर से लिखा है कि 20 नवंबर को शाम 6 बजे से ये इवेंट होगा, जिसमें तमाम बड़े जो सितारे हैं बॉलीवुड के वो आएंगे. टाइगर श्रॉफ हो, अभिनेत्री सनी लियोनी हो और हिमेश रेशमिया हो, तमाम ऐसे बड़े कलाकार यहाँ पर आएंगे. और एक इवेंट शो ऑर्गेनाइज होना था जो चैरिटी म्यूजिक कंसर्ट था, उसको लेकर देखिए आप तमाम चौराहों पर इस तरह के बैनर पोस्टर्स लगा दिए गए हैं. इस कंसर्ट को श्री सुविधा फाउंडेशन ट्रस्ट कराने वाला था, पर कंसर्ट से पहले ही कंपनी के मालिक समीर शर्मा और विराज त्रिवेदी का फोन स्विच ऑफ हो गया. 1.5 करोड़ रुपए में इकाना स्टेडियम से डील हुई और सिर्फ 11 लाख रुपए एडवांस जमा किए गए. टिकट की कीमत 499 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक की थी. बुक माई शो के जरिए लगभग 450 टिकट बिक चुके थे. ये कंपनी गुजरात की है और लखनऊ के सदर इलाके में इसका दफ्तर है, जहां अब ताला पड़ा हुआ है. चैरिटी म्यूजिक कंसर्ट कराने के नाम पर लोगों से ठगी की गई है. हम लखनऊ के इकाना स्टेडियम पर मौजूद हैं. आपको बता दें कि 20 नवंबर को इसी अटल बिहारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एक चैरिटी म्यूजिक कंसर्ट होना था, पर उससे पहले ये इवेंट जो है कैंसिल हो गया है. कैंसिल होने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है. जो कंपनी के ऑर्गेनाइज़र हैं वो फरार बताए जा रहे हैं. आपको बता दें कि श्री सुविधा फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था, जिसमें बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे आने वाले थे. हिमेश रेशमिया हो, चाहे टाइगर श्रॉफ हो, चाहे मौनी रॉय हो, और भी तमाम जो बड़े सुपरस्टार्स हैं वो यहाँ पर आने वाले थे, पर अब ये इवेंट कैंसिल हो गया. 500 रुपये से लेके 6000 रुपये तक की टिकट बेचे जा रहे थे और बुक माई शो ऑनलाइन ये टिकट बेचे गए थे. तमाम लोगों ने टिकट बुक भी कर लिए थे, पर उससे ठीक पहले ही ये इवेंट कैंसिल हो गया. इसी स्टेडियम में इवेंट हो रहा था और आपको बता दें कंपनी के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके नंबर बंद हैं. फिलहाल इकाना स्टेडियम की तरफ से ये जानकारी आ पाई है कि जो इवेंट है वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि जो इवेंट ऑर्गेनाइज करा रही थी कंपनी उसको 19 तारीख तक का समय दिया गया था कि 19 तारीख तक अगर वो पैसा जमा करते हैं तो इकाना स्टेडियम में वो इवेंट होगा, पर उससे पहले ही जो तमाम ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं. तो ऐसे में तमाम जो लोगों ने टिकट लिया है तो उनके साथ कहीं ना कहीं ठगी की गई है. और एक ये नया तरीका बन गया है लोगों के साथ ठगी करने का कि ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज कराए और लोग टिकट बुक कर लें, उसके बाद ऐसे इवेंट कैंसिल हो जाते हैं. कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे इवेंट्स होते तो हैं, पर पहले आप पूरी जानकारी कर लें और उसके बाद ही अपने टिकट बुक करें. विजयनिश नंदन के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर लखनऊ. बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे टाइगर श्रॉफ, अभिनेत्री सनी लियोनी, म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया, सिंगर सचेत और परंपरा जैसे तमाम बड़े सितारे इस म्यूजिक कंसर्ट में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब दर्शकों को चूना लगा कर ये कंपनी रफू चक्कर हो गई है. अबे अबे हाँ. अबे ये बताइए, स्टेडियम आए थे कंसर्ट के बारे में पता करने के लिए, जी पता तो रहे हैं यहाँ कैंसिल हो गया है.
कैंसिल कर दिए हैं, और कुछ इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स की भी कोई जानकारी नहीं, जिन्होंने टिकट लिया था उनका फ्रॉड हो गया है। हाँ, स्कैम तो है बहुत बड़ा। अरे यार, सनी लियोनी को देखने का मन था, सारा मूड खराब गया पूरा का पूरा। क्या क्या उम्मीदें सजाई थी। यहाँ आए थे हम लोग, टिकट बुक किए थे, हम लोग देखने आए थे यहाँ पे शो पे क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है, गार्ड बता रहे हैं इवेंट कैंसिल हो गया, जो है इवेंट वालों का नंबर बंद आ रहा है। हम लोग टिकट पहले से बुक कर लिए थे, तो इधर घूमने आए थे तो देखने आए थे क्या चल रहा है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे ग्राउंड वाला टिकट लिए थे, हम लोग एक्चुअली जो है वो 500 का टिकट था, तो क्या है कि ग्राउंड पे डांस करना होता है, जैसे अब पार्टी वार्टी तो वो अलग था, तो इसलिए वीकेंड था कल, तो आराम से सब लोग आए हुए थे, काफी टिकट्स लिए थे हम लोग, 20-20 लोग थे हम लोग टोटल जो है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज की खबर, और पल पल की अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है आज की खबर। खबर जहां हम वहां।